हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और बहुत दिनों के बाद मुझे पता है मैं एक लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और बहुत मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने ट्यूटोरियल वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा था ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊंगा, तो फाइनली आज मैं ट्यूटोरियल वीडियो के साथ में आ चुका हूँ। ये है हाउ टू एडिट वीडियोज लाइक अ प्रो पार्ट टू, और इसके आगे भी और भी पार्ट्स हैं। तो मेरे को ये बताइए कि आपको कैसा लगा पहला पार्ट कमेंट सेक्शन में, और अब देखिए आप पार्ट टू। सो पार्ट टू में आज हम आपको इस सेक्शन के बारे में बताएंगे, ये वाला जो सेक्शन है। ठीक है, रुकिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, रेड। यस रेड, ठीक है। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये वाला सेक्शन, अरे यार तो ये वाले सेक्शन पे आज हम फोकस करेंगे। तो हमारा ये वाला जो सेक्शन है इसमें आपको जैसे चार बटन दिख रहे होंगे, ठीक है, मीडिया का, लेयर का, रिकॉर्डिंग का एंड ऑडियो का। तो मीडिया का जो बटन है वो बेसिकली आपको जितनी भी आप हमारे मीडिया देख रहे हैं, मतलब आपके फ़ोन में जितनी भी मीडिया होती है, चाहे आप कैप्चर पे चले जाएं, चाहे व्हाट्सएप इमेजेस हो आपकी कोई आपको डालनी हो, या फिर आपको कुछ और डाउनलोड्स का डालना हो, कैमरा का डालना हो, कहीं का भी कुछ भी डालना हो, सो ये आपका वो उसके लिए है। ठीक है, जैसे मेरे को इंस्टाग्राम की कोई पिक्चर डालनी है तो मैंने डाल दी यहाँ से। तो मीडिया का काम ये है, और बाकी लेयर का काम है कि जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड डाल दिया ब्लैक कलर का, अब मेरे को इस पे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, कोई चीज़ लिखनी है सब्सक्राइब टू, है ना। तो जैसे कि हमको टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्सक्राइब टू डेमोलिशर देवांश। ठीक है, डेमोलिशर देवांश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने लिखा। तो ऐसे टेक्स्ट लिखने के लिए आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे लेयर के ऑप्शन पे भी आपको सेम चीज़ें मिलती हैं, ऐसे मीडिया, इफेक्ट्स, स्टिकर, टेक्स्ट, हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग में कुछ नहीं होता, हैंडराइटिंग में आपका ये हैंड ड्राइंग आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे मार्क करनी है, मैनुअली मार्क करनी है, तो ये उसके लिए है। ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में मैनुअली कुछ मार्क करके दिखाना है। मेरे पास तो वैसे ये ब्रश होता है यूजुअली सभी स्क्रीन रिकॉर्डर्स में, जो भी आप अपने यूज़ करते हैं फ़ोन में उसमें आपको मार्कर मिलता है। बट आपको अगर उसमें दिखाना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिलीट करके एक हैंड राइटिंग और बना दूं, तो मेरे को फॉर एग्जांपल ऐसे एरो बनाना है और मैं वहां पे एरो बनाना भूल गया, तो हैंड राइटिंग वाले ऑप्शन से मैं यहाँ पे एरो बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे गोला बना सकता हूँ, मैं कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, शेप इरेज कर सकता हूँ, शेप्स बना सकता हूँ। और मतलब वैसे हैंड राइटिंग से जो भी आप हैंड राइटिंग जो करते हैं उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, सो ये आप यहाँ से कर सकते हो। और टेक्स्ट वाला ऑप्शन मैंने आपको अभी दिखाई दिया, मैं टेक्स्ट लिखा था। स्टिकर वाले ऑप्शन में अगर आपको कोई स्टिकर लगाना है, यहाँ पे वैसे तो आपको जो शुरुआत में स्टिकर्स मिलते हैं वो स्टिकर्स नॉर्मल मतलब बेसिक स्टिकर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है और ऐसा आपको कुछ लगाना है तो स्टिकर्स है बेसिकली। इसमें एनिमेटेड स्टिकर्स भी आते हैं जो कि आपको एसेट स्टोर में मिल जाएंगे। एसेट स्टोर में यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो एब्स्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मतलब काफ़ी एनिमेटेड वाले भी रहते हैं, जैसे रिक्रिएशन में आ गए, सीजनल में आ गए, स्पेशल इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स वाले भी एनिमेटेड होते हैं स्टिकर्स। तो ये एनिमेटेड स्टिकर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना अलग ही है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप ये क्लासिक स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। तो ये हो गए हमारे स्टिकर्स। अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो इफ़ेक्ट्स जो हमारे हैं तो वो हमारे बेसिक इफ़ेक्ट्स, जैसे कि ब्लर करना, मोज़ेक करना, और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मोज़ेक वाला, और ये वैसे आपको अभी दिखेगा नहीं, मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड में अभी ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ब्लर करना है तो ये है इफेक्ट, ठीक है, मोज़ेक में आपका ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से फिर इसको लगाने के बाद पीछे आकर मतलब डन कर दिया, फिर डन करने के बाद आपको सेटिंग्स पे आके आप इसका ब्लर साइज़ और ब्लॉक साइज़ भी जो है चेंज कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ बेसिकली आप चूज़ कर सकते हैं कितनी स्ट्रेंथ का आपको रखना है इसको, ठीक है। तो जैसे कि मैंने फुल स्ट्रेंथ पे कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, वैसे तो मैं यूज़ नहीं करता मोज़ेक बिकॉज मोज़ेक से ज़्यादा अच्छा तो ब्लर रहता है अगर मैं आपको बताऊँ तो। और इफ़ेक्ट्स और भी इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको एसेट स्टोर में यहाँ पे मिल जाएगा आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स, स्पाइरल वाला और एस्काई और पेंटिंग इफ़ेक्ट्स, नॉइज़ इफ़ेक्ट्स, ट्रांसफॉर्मर्स, और मतलब यहाँ पे और भी आपको मिल जाएंगे अच्छे। ट्रांसफॉर्म वाला मेरे को काफ़ी वैसे अच्छा लगा था,
बिकॉज इस पे आप एकदम एड वाली फीलिंग ला सकते हो. सो ये हो गया हमारा उसका. और सेकंड अब जो चीज़ आती है वो है लेयर में मीडिया. अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वीडियो के ऊपर एक और वीडियो लगानी ग्रीन स्क्रीन फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, तो हमारे पास ग्रीन स्क्रीन वीडियो तो अभी है नहीं, बट ग्रीन स्क्रीन जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये फोटो लगानी है, अरे कहाँ गई, फॉर एग्जांपल मेरे को काइन मास्टर की फुल लोगो लगाना है, मैंने लोगो लगा दिया, ठीक है, अब ये मैंने लोगो लगा दिया. तो ये है लेयर में मीडिया का काम. अब यहाँ पे एक होता है ऑप्शन क्रोमा की का. क्रोमा की बेसिकली ये होता है कि ये आपकी जितनी भी ग्रीन स्क्रीन इमेजेस होती हैं उसमें से ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देता है. और जैसे आपको ग्रीन स्क्रीन मीम्स लगाने, ग्रीन स्क्रीन कुछ भी लगाना है, तो ये आपका बहुत एक हैंडी और एक बहुत यूजफुल फीचर है. आप इसको यूज़ करके बहुत आराम से अपने सारे भी ग्रीन स्क्रीन वाले काम कर सकते हैं, ठीक है. और अब मीडिया में अगर हम जाएं तो मीडिया में ए टू जेड आप कुछ भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, पूरी पूरी वो आपका मतलब पूरा है कंट्रोल उसके ऊपर, आपको जो लगाना है आप लगा सकते हैं. बाकी अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड थर्ड ऑप्शन के ऊपर जो कि है रिकॉर्डिंग का. अब रिकॉर्डिंग में बेसिकली अगर आपको वॉइस ओवर कर वरना एप्लीकेशन मेरी आवाज़ नहीं कैच करेगी. और वैसे तो है ना, तो ये रिकॉर्डिंग का जो, अरे यार बंद क्यों हो गया, तो जो ये रिकॉर्डिंग का फीचर है इसीलिए सके. फिर ऑडियो का फीचर, यहाँ से आप अपने साउंड्स लगा सकते हो. आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई साउंड लगानी, मेरे पास कोई भी एक मैंने लगा दी है, इस तरीके से चूज़ कर लिया और वैसे लगा दिया, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है. आपको कोई भी म्यूज़िक लगाना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, आपको कोई SFX लगाना है, यहाँ पे एसेट स्टोर में आपको म्यूज़िक वैसे मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक रहते हैं, SFX भी रहते हैं और साउंड इफ़ेक्ट्स मतलब, और सॉन्ग्स रहते हैं, एल्बम्स हैं आपकी, यहाँ पे आप एल्बम से भी सर्च कर सकते हैं आपकी किस एल्बम में सेव कर रखा है, आर्टिस्ट से आप, आर्टिस्ट आपके कौन से आर्टिस्ट के नाम से आपने सेव कर रखा है आप उससे भी कर सकते हो, जॉनर से भी कर सकते हो, फोल्डर से भी कर सकते हो, और बाकी ये सब है. तो ये अपने चार ऑप्शंस इसीलिए होते हैं. और यहाँ पे आपको बीच में एक ऑप्शन दिखेगा इसका, जो ये अजीब सा रोबोट आई जैसा है, तो इसमें आपके कैमरा और इसका रहता है. आप यहाँ पे डायरेक्ट रिकॉर्ड करके भी अपनी पिक्चर्स डाल सकते हो जैसे कैमकॉर्डर. तो अगर आपको जैसे है तो अलाउ कर दिया, तो आपका ये कैमरा खोल देगा, ठीक है, ये आपका कैमरा खोल देगा, आप यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो डाल सकते हो इसमें, और वो फिर आप वहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकते हो. ये आपके सेव होगा फ़ोन में ही, लेकिन यहाँ से एक वो रहता है कि हाँ आप यहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट कर दोगे अपनी. तो ये वाला फीचर है. अब हम आ जाते हैं अपने इस वाले फीचर पे. ये जो ये आइकन आपको दिख रहा है, ये आइकन, ये आइकन है ना, तो ये आइकन है एसेट स्टोर का. यहाँ से आपका एसेट स्टोर खुल जाएगा. इस एसेट स्टोर में बहुत सारी आपको मतलब इफेक्ट्स, जैसे ये एफएक्स का है, एफएक्स का, और ये आपके ट्रांजिशंस हैं जो दो उसके मतलब दो स्लाइड्स के बीच में एक ट्रांजिशन आपको डालना है उसके लिए, ये स्टिकर्स का है, ये आपकी न्यू वाला जो ऑप्शन है, ये आपका न्यू जितने भी न्यू स्टिकर्स और न्यू चीज़ें आई हैं वो है एसेट स्टोर की. और बाकी सॉरी और बाकी ये आपके देख सकते हैं. तो बाकी ये जो ऑप्शन है वो इतना ही है कि एसेट स्टोर है, यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, वो जो डाउनलोड करना है कर लीजिए. और ये आपका ऑप्शन, आपको तो पता ही है कौन सा ऑप्शन है, प्ले पॉज का, तो प्ले पॉज आप यहाँ से कर सकते हो. और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस कर रहोगे तो आपकी वीडियो ऐसे प्ले हो जाएगी, ठीक है, फुल स्क्रीन में प्ले होगी. अगर आपको फुल स्क्रीन नहीं चाहिए तो बैक यहाँ से कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप क्रॉस का बटन दबा दीजिए, आपका ख़त्म हो जाएगा. अब हम आ जाते हैं अपने एक और ऑप्शन पे जो कि है ये वाला जो ऑप्शन है, ये आपका होता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन. ये जो आप देख रहे हो, रुकिए थोड़ा सा इसको कम करना पड़ेगा साइज को. ओके, हाँ बस अब ठीक है. तो जैसे कि आप ये वाला ऑप्शन, अरे यार ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये जो ऑप्शन है इसके लिए ये होता है एक्सपोर्ट का ऑप्शन. यहाँ से आप अपनी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हो 360 480, आपको जिस भी रेजोल्यूशन में करनी है आपका हो जाएगा, ठीक है. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे को 480 में करनी, तो मैंने कर लिया.
उसमें कंटिन्यू कर लिया, तो ये आपका जो है वीडियो रेजोल्यूशन के हिसाब से बिटरेट बताएगा और आपको उसी बिटरेट पे उसको करना पड़ेगा। अगर आपने कम कर दिया तो आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो ये था, तो ये हमारे सारे बेसिक सब डन हो गए, ठीक है। अब मैं आपको इन डेप्थ मतलब जो जैसे एडिटिंग करनी है प्रो की तरह कैसे करनी है, सो उसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। और पार्ट 3 आने के लिए आपको करने होंगे 10 लाइक्स। अगर आपने 10 लाइक का गोल मेरा कंप्लीट कर दिया तो मेरा पार्ट 3 जल्द से जल्द आएगा। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो मैं अपने टाइम के हिसाब से डालूंगा, बट मैं डालूंगा जरूर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, गोल कंप्लीट करना ना भूलना अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो। आई विल सी यू इन द